मतलब वो हमने अवर धर्म वाला होते हुए भी कार्य आकार लगे को उत्पत्ति को परिणत होता है वो कार्य आकार उत्पत्ति उत्तर का कार्य रूप में जब उत्पत्ति के उत्तर बाद में काला काल में वो मर्त का धर्म को प्राप्त करते हैं। और फिर क्या हो जाएगा जब फिर जीव जो है जब पुरुषाधन के द्वारा फिर जो है ब्रह्म भाव को प्राप्त करके अमर हो जाएगा। ये दोनों ही पारमार्थिक मानते हैं, पहले मर्त अमर था फिर मरण धर्म होगा फिर मरण धर्म से फिर अमर धर्म को प्राप्त करेगा। आप जो मरण धर्म पारमार्थिक होते हुए फिर जो अमर धर्म को प्राप्त करेगा तब तो व्यक्ति शब्द होगा कोई साधन के द्वारा करेगा तो अमर धर्म के आगे अनित्य हो जाएगा तो वो जो है वो मुक्ति नहीं माना जाएगा उसको। इसलिए बोलते हैं कि जन्म ग्रंथ कारण रूपे न प्राग उत्पत्ति अमृतम अपनी कार्य आकार उत्पत्ति उत्तर काल मर्तम भविष्य उत्पत्ति के उत्तर काल में वो मरणशील बन जाएगा ऐसा यदि हम कहें तो छह नंबर टिप्पणी देखिए परिणामवाद होना संभव ही नहीं है क्योंकि ब्रह्म एक अपरिणामी अविकारी वस्तु है तो कहाँ से परिणामवाद है। इसीलिए आपको बोलता है यम अपि एक शंका भी यम अपि शंका परिणामवादिन एव रेखा शंका रेखा शंका ये परिणामवादी का शंका है। तथा रूप भेदा उभयम अविरुद्ध मंदिति तत्र इसलिए क्या हो जाएगा मतलब एक बार वो कारण रूप में है एक बार कार्य रूप में है। कारण रूप में अमर है कार्य रूप में मरणशील है तो ऐसा सामान्य ऐसा तो नहीं हो सकता बंधुओं के सिद्धांत ऐसा बना हुआ है। इसका क्या है मतलब ब्रह्म जब कारण रूप में रहता है तब वो अमर है और जब कार्य रूप में आता है तब क्या होता है वो जो है नाश हो जाता है। सात नंबर टिप्पणी मतलब कारण रूपेण अमृतस्य अपि कार्य रूपेण मर्तत्व संभव कारण रूप से वो अमर होते हुए भी कार्य रूप में वो क्योंकि कार्य तो ना शोभन होता है ऐसे कार्य रूप में वो मरणशील हो जाएगा। परंतु जब भाई कारण ही जब कार्य रूप में बना और जो कारण में जब मान लीजिए आपने सोना जो है मतलब कोई वस्तु उत्पत्ति से पहले अलंकार बनने से पहले सोना था और अलंकार बनने के बाद वो मिट्टी हो गया ऐसा हो सकता है क्या ऐसा तो नहीं हो सकता तब उनके ऐसे कारण रूपेला अमृतत्वस्य अपि कारण रूप में अमरण धर्म होता हुए भी कार्य रूप में कार्याकार में जब परिणत हो जाए परिणाम बात लेकर के होता है मर्तत्व संभव तो मरणशील हो जाएगा ऐसा ना युक्ति संगत है। इस प्रकार से पूर्ववादी को शंका है तत्व रूप और भेदा इसलिए एक कार्य रूप है एक कारण रूप है इसलिए दोनों में कोई विरोध नहीं है इसलिए अविरुद्ध अलग अलग वादियों का जितना उस समय मतलब गोबर पाता था ये काल का जितना वादियों के अलग अलग सिद्धांत बाजार पर विरुद्ध तो सबको उठा करके थोड़ा थोड़ा बोलते बोलते एक बार तुम ऐसा प्रतिज्ञा कर दो फिर उल्टा सा बोल तब तुम कारण को मरण अमरण मान रहे हो और उसी से बना हुआ कार्य क्या हो जाएगा मरणशील हो जाएगा तो कैसे हो सकता यहाँ पर शंका है। आप देखिए श्लोक में आ जाइए स्वभावेन मृतो यस्य स्वभावेन मृतो यस्य भावो गच्छति मर्त्यताम् भावो गच्छति मर्त्यताम् कृतकेन मृतस्तस्य कृतकेन मृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः कथं स्थास्यति निश्चलः स्वभावेन मृतो यस्य भावो गच्छति मर्त्यताम् जो वस्तु स्वभाव से भाव मतलब जो भाव वस्तु जो विद्यमान वस्तु अविद्यमान वस्तु नहीं अभाव को लेकर के नहीं बोलते भाव वस्तु भाव जिस वादी के मत में जस्व मते भाव स्वभाव न अमृत जो भाव वस्तु स्वभाव से अमृत है वही वस्तु कहते हैं मर्त काम दक्षिण कार्य परिणत हो करके वो मरणशील हो जाते। यदि ऐसा कहोगे और फिर बाद में क्या होगा
मरणशील रहेगा कि अमर धर्म को प्राप्त करेगा, तो मृत्यु में तो शरीर तो अमर धर्म को मानते हैं, तब क्या हो जाएगा? कृतज्ञता अमृत हत्या आप जो कर्म शब्द द्वारा, क्योंकि आपने पारमार्थिक रूप में आप जो है अमर धर्म वाले थे, फिर आपने मरण धर्म में परिणत हो गए। अब जो मरण धर्म में परिणत होकर के मुक्ति काल में कहाँ जाओगे? अमरण धर्म वाला रहे हो, अमरण धर्म वाला रहे हो, अमरण धर्म वाले। अमरण धर्म कैसे बनोगे तुम? स्वरूप से थे तो परिणत हो गए, यानी कि अमरण धर्म तुमको प्रीति शब्द होकर के बनना पड़ेगा, कोई कर्म बनना पड़ेगा, जब आपने परिणत होना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या था पहले, क्योंकि दोनों परमार्थिक मानते हैं, कार्य कारण दोनों को जो सत्य मानते हैं, कारण रूप में अमृत था और कार्य रूप में जाकर के क्या होगा? मरण धर्म होगा। आप जब मुक्ति काल में जब मरण धर्म से अमरण धर्म में जाएगा, कैसे जाएगा? साधन के द्वारा जाएगा। टूट के नहीं, हमारे तो पूर्ण रूप में। दूसरी बात क्या है, दूसरी मूर्ति का तो फिर घर बना नहीं गया, कुमार तो फिर बना देते हैं सर। हम यहाँ पे क्या है, फिर आप क्या मानते हो कि मुक्ति अनंत रहता है? अब जब कृति शब्द हो गया आपका, मुक्ति तो अनंत कैसे हो सकता है? इसलिए बोलता है कृतज्ञेन अमृत तस्य कथम स्थास्यति निश्चय। इस प्रकार कृति शब्द जो अमृत है उस वादी के मत में, दस्य वादी के जिसके मत में ऐसे, उस वादी के मत में जो कृति शब्द अमृतत्व है, कथम निश्चय स्थास्यति, वो स्थिर कैसे हो सकता है? वो भी तो नाशवान हो जाएगा। कथम निश्चय स्थास्यति, स्थिर रूप में कैसे रह सकेगा वो? स्वभावे दस्य वादी न मते, दस्य वादी न मते स्वभावे न अमृत भाव, स्वभाव से ही जो अमृतमय जो विद्यमान वस्तु है मर्तताम गच्छ, जो कारण रूप में परिणत होगा कि मरणशीलता को प्राप्त होगा। जब ये परिणत वो मरणशील रूप में परिणत हो गया, आप जो है फिर अमरण धर्म में परिवर्तन होगा, तो कोई साधन के तरह होगा, साधन के तरह जो वस्तु वो स्थिर कैसे हो सकता है? इसलिए बोलते हैं कृतज्ञेन तस्य तस्य वादी न मते, कृतज्ञेन अमृत अमृत मतलब कर्म शब्द जो अमृत है, कथम निश्चय स्थास्यति, वो कैसे स्थिर हो सकते हो कि नित्य कैसे हो सकता है? वो तो नाशवान होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भाष्यकार क्या बोलते हैं कि पूर्वार्थम साध्याहरम योजयति, इस मंत्र में आए पूर्वार्थ कौन सा है? स्वभावेन अमृतम यस्य भावो गच्छति मर्तताम, पूर्वार्थ जो यहाँ पे यस्य पद का अद्भुत पद जोड़ करके अर्थ करते हैं, पूर्वार्थम साधारम योजयति, पूर्वार्थ जो है अध्याय उस पद को अध्याय करके अन्वय करते हैं। भगवान भाष्यकार क्या बोलते हैं? यस्य पुनर्वादिन, यानी जो पुनर्पद जो थे जिस वादी के मन में, वादिन में कौन सा विभक्ति वचन होना चाहिए? इसका अर्थ क्या है? षष्ठी बहुवचन भी नहीं, एक वचन वादिन। किसका अर्थ कर रही है वादिन? यस्य षष्ठी एक वचन है, तो वादिन प्रातिपदिक है उसमें अस जुड़ा, तो वादिन यस्य पुनर्वादिन। और फिर इस वादी के मत में स्वभावेन अमृत भाव, बाय इस वेरी नेचर वो भाव वस्तु अमृत अमरण धर्म वाला अजय है, अमरण धर्म वाला है। स्वभावेन अमृत भाव मर्तताम गच्छति, मतलब वो मरणशीलता को प्राप्त करते हैं, मतलब क्या हुआ है? परमार्थ तो जायते, पारमार्थिक दृष्टि से उत्पन्न होकर पारमार्थ शून्य परमार्थ तो जायते, मतलब क्या हो गया? तस्य प्राग उत्पत्ति ही स्वभाव स्वभावतो अमृत इति प्रतिज्ञा मृषा एव, तो उसने जो प्रतिज्ञा दिया कि उत्पत्ति में ऐसे ये वस्तु जो है अमरण धर्म वाला है, प्रतिज्ञा दिया, और फिर क्या बोलता है आगे जाकर के ये मरण धर्म वाला हो जाते हैं, तो प्रतिज्ञा विरोध है, प्रतिज्ञा विरोध है। इसलिए बोलता है कि यस्य पुनर्वादिन, जिस वादियों की मत में स्वभाव तो अमृत भावो मर्तताम गच्छति, स्वभाव से स्वरूप से जो अमरण धर्म वाला वो मरणशील हो जाता है, मतलब क्या हो गया? परमार्थ तो चाहिए परिणाम होकर के उत्पन्न होता है। तस्य प्रागुत्पत्ति स्वभाव उत्पत्ति से पहले वो भाव वस्तु था स्वभाव तो अमृत स्वभाव से जो अमरण धर्म था, यदि प्रतिज्ञा मृषा है उसका प्रतिज्ञा गलत हो गया, प्रतिज्ञा गलत हो गया। तो देखिए ऐसा बोल रहे भाई कथम तरी कृतज्ञ, क्योंकि कथम तरी कृतज्ञ अमृत तस्य स्वभाव कृतज्ञ अमृत कथम स्थास्यति निश्चल, मतलब अमृत स्वभावता
अब स्वभावतया न कथन की स्थाष्यति क्यों आत्मजातिवादिनः आत्मा की उत्पत्ति मानने वाले का सर्वदा अजम नाम और नास्ति एव सर्वम एतद् मर्तव्य हो गया कथम करी तभी कैसे जब आपने पर अमर धर्म वाला वस्तु को पारमार्थिक जन्म देकर के मरण से बना दिया क्यों जातस्य जीवं उसको पारमार्थिक जन्म देकर के आपने उसको मरणशील बना दिया तो फिर कैसे अब जब फिर तुम्हारा अमरण धर्म को प्राप्त करेंगे तब कैसे प्राप्त करेंगे कोई साधन करना प्राप्त कृतक है ना अमृत तस्व मतलब कृतिसाध्य जो अमृत है उस वादे के मत में सभाव उद्भाव वस्तु यह हो गया कृतक है ना अमृत मतलब कृत साधन के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त करेगा स वो जो अमृतत्व मतलब कृतिसाध्य जो अमृतत्व प्रथम निश्चल स्थाष्यति कैसे स्थिर हो सकता है कैसे नित्य हो सकता है मतलब अमृत तो स्वभाव बताया न कथन जो अमृत धर्म लोग कभी भी नहीं चाहते हमेशा जन्म मृत्यु धर्म वाला ही होगा वो कभी भी अमृत स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते हैं अमृत स्वभाव बताया न कथन जो अमृत स्वरूप होकर के कभी भी नहीं रह सकता है आत्मजातिवादी कौन लोग जो आत्मा की उत्पत्ति मानते हैं सर्वदा अजम नाम नास्ती है वो उनके सिद्धांत के अनुसार अजो है ये कह ही नहीं सकता है सर्वमेतद् मर्तव्यो उनकी दृष्टिकोण सारा चीज मरणशील है कोई आत्मा ही पैदा होता है आत्मा ही मरता है तो आत्मा अजय भी कैसे बोलते मन सिद्धांत गलत हो जाएगा यहाँ पे एक नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ता है कहाँ भी है एक नंबर टिप्पणी प्रथम स्थाश्वर कथम अमृत स्वरूपेण न कथंचित स्थाष्यति स्थाष्यति इत्यादि मतलब कृति शब्द होने के कारण अमृत रूप में हमेशा रहे ये हो ही नहीं सकता कृति शब्द कुछ नहीं होते इसलिए अमृत स्वरूपेण अमृतमय स्वरूप होकर के मरण अमरण धर्म होकर के न कथंचित स्थाष्यति स्थिर रूप में रह नहीं सकता ये तुम्हारे सिद्धांत में की कमी आ जाएगी सर्व अजम नाम नास्ति तुम्हारे सिद्धांत में क्या हो जाएगा जन्म रहित कोई वस्तु है ही नहीं आत्मा को रूप में जन्म वाला माना तो मरणशील हो जाएगा और उसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा मुक्ति नहीं हो पाएगा जब अपने मरण में वाला धर्म ही रह जाओगे होता है अथवा अनिर्मोक्ष प्रसंग अभिप्राय यानी तुम्हारे सिद्धांत के अनुसार मुक्त होना संभव अनिर्मोक्ष प्रसंग मतलब मुक्ति होना संभव नहीं होगा ये अभिप्राय नीचे जमीन पे डाल दीजिए जमीन पे डाल दीजिए रिफ्लेक्ट नहीं करता जहाँ तक लाइट नीचे हाँ बस और फ्लोर है ना फ्लोर में रिफ्लेक्ट करता है हो गया इसका पट्टी का देखिए पूर्वाधम साधर्म योजती पहला भाग को कुछ अध्याय सदस्य पुनर्वादी जिस वादी के मत में ऐसी स्थिति है तो आप देखिए चला देखिए ठीक है प्राग अवस्थायाम अभी कारणस्य एव कार्य आकारेण जन्म युगतया मर्तव्य अवगमान विषय एवं प्रतिज्ञा सैद इति अर्थ
तो क्या हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले प्रतिज्ञा किया अजो है, ठीक है ना। अब क्या किया, जन्म लिया, जन्म लेने के बाद फिर अजो हुआ। ये कैसे हो सकता है, जो जन्म लिया एक बार फिर जो है अपने भाग को प्राप्त कर, तो वो अजो नहीं रह जाएगा, फिर तो जन्म होगा आपका, कठिन कर्म होगा। सिर्फ बताया प्राग अवस्थाया, मतलब जो आपने प्राग अवस्था में कारण को अजो कहा वो तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो कारण अवस्था में पहुंचने के लिए कार्य क्षेत्र क्या प्रतिशत होगा, ठीक है। इसलिए कारण अवस्थाया मी, जिस प्रकार कार्य अवस्था में उनकी मरणशीलता धर्म है, इसी प्रकार कार्य अवस्था में है, इसी प्रकार कारण अवस्था में भी होगा, क्योंकि शब्द होकर के गया वहाँ। इसलिए बोलते हैं प्राग अवस्थाया मी कारण सदैव कार्य आकार है ना, जन्म जो होता है क्योंकि कारण ही कार्य रूप में परिणत होता है, जन्म लेता है। इस प्रकार होने के कारण मर्त्यंत अवगमा को हमें मर्मशीलता तो हमेशा रहेगा। इसलिए मृषा एवं प्रतिज्ञा शादी हमारे प्रतीक मिठा हो जाएगा कि जो कारण अजन्म रहित है, कारण को जन्म रहित बनाकर फिर उससे जो है आकाशादी का जन्म परमार्थिक माना, और जीव को भी जन्म परमार्थिक माना, फिर जो साधन के द्वारा वो जो अमर धर्म को प्राप्त करेगा, वो अमर धर्म को कैसे प्राप्त करेगा, वहाँ से तो फिर जन्म लेगा। इसलिए हमारी प्रतिज्ञा ही गलत हो जाएगा। प्राग अवस्थाया में भी जो सृष्टि से पहले वो जन्म, आपने क्या बोला, आप उत्पत्ति से पहले जन्म रहित था, उत्पत्ति के बाद मरने वाला होगा, फिर जन्मरित हो जाएगा, और जन्मरित कैसे होगा तो फिर जन्म लेगा। इसलिए आपका प्रतिज्ञा गलत होगा। प्राग अवस्थाया में भी कारण से प्रकार का कारण जन्म योग्यता जितना दिखाई पड़ रहा है, कितना नंबर है वो मर्तत्व अवगमा दिशा एव प्रतिज्ञाशा मर्तत्व अवगमा दी जन्म योग्यत्व ही मर्तत्व अभिशन दी। जन्म की योग्यता जहाँ पे है वहाँ पे मरने की भी अयोग्यता है, मतलब मरने भी होना ही होगा, योग्यता ही है। यानी से बताए जन्म योग्यत्व ही, जन्म की जो योग्यता है वही जो है मर्तत्व, उसी को पूछता उसी के कारण से वहाँ पे मरणशीलता भी आ जाए, है ना। आपको जन्म का तो योग्यता है, मरने की योग्यता नहीं है, ऐसे नहीं कह सकते। जब जन्म लिया तो मरेगा ही मरेगा, इसलिए जब आप भूल पुनर् होकर के अपने कारण में पहुँच जाएंगे, सोचेंगे कि मैं क्या अमृत हो गया, ऐसे नहीं हो सकता। आपको जन्म में मरने वाले ही रह जाओगे, अमृत स्वरूप न कर सकते, अमृत स्वरूप से कभी भी नहीं रह सकेगा, वो जन्म में मरने वाला ही होगा। कथम तरी तस् प्रतिज्ञा युक्ता आशंक, जब उसकी प्रतिज्ञा कैसे युक्ति शंका शुद्ध हो सकता है, ऐसा तो शंका उठा करके कथम तरी तस् प्रतिज्ञा, उस वाणी की जो प्रतिज्ञा है या उत्पत्ति से पहले सब जन्म रहित था, ये जो प्रतिज्ञा ये युक्ति शंका कैसे हो सकता है, क्योंकि आशंक ऐसा शंका उठा है। कृतकेन मर्त विलयेन अमृत तस्य वादिन न कारण प्रभाव भवती प्रतिज्ञा युक्ता आह, क्या हो गया, उनका प्रतिज्ञा युक्ति संगत नहीं है। क्यों, कृतक न मतलब जो कर्म साध्य है, कृतक कृतक न मत विलय न कर्मों के द्वारा साधन के द्वारा अपनी मरणशीलता को नाश करके, कृतये न मत विलय न अपने कर्म के द्वारा अपने साधन के द्वारा अपनी मरणशीलता को नाश करके। वेदांत जैसे कहते कि नहीं कहते हैं, आप जन्मने वाला हो, आप साधन के द्वारा अमरण हो जाओगे, ऐसा वेदांत सिद्धांत है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये वेदांत सिद्धांत तो नहीं है। तुम अभी भी जन्म से नहीं हो, ये शरीर जन्म, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। यदि तुम शरीर होते तब तो तुम आत्मा, तुम कभी अमर नहीं हो पाओगे, तब तुम कभी अमर नहीं हो पाओगे। इसीलिए बोलते हैं कि शब्द संकेत प्रयोग किया कस्य प्रतिज्ञा युक्त, यहाँ पर देखा तब कहीं कस्य प्रतिज्ञा युक्त, उसके प्रतिज्ञा कैसे युक्ति संगत हो सकते हैं। कृतक न मतलब कर्म साध्य साधन के द्वारा मर्त विलय न अपनी मरणशीलता को नाश करके अमृत कस्य वादिन हो अमर हो जाता है, अपनी मरणशीलता का नाश करके अमर हो जाता है। कैसे, कि साधन के द्वारा, कृतक न मर्त विलय न अमृत, इस प्रकार बोलने कस्य वादिन, इस प्रकार बोलने वाले उस वादियों का कारण भाव भगवती क्या होता है, कारण नामक भाव को प्राप्त कर जाता है। और कारण जन्म रहते कैसे हो सकते हैं, कारण भी तो आपका क्या हो जाएगा, मरणशील होगा। इसलिए कारण भाव भगवती की प्रतिज्ञा युक्ता, इस प्रकार की युक्ति जनित कथम कैसे हो सकता है, वो कैसे किया हो, कथम कैसे कैसे हो सकता है, तरी पिता के न अमृत दस्य स्वभाव पिता के न अमृत कथम निश्चला, वो जब आप कृतिशब्द होकर के अमृतत्व को प्राप्त किया, साधन के द्वारा अपने मर्तत्व को विलय करके अपने अमरण धर्म को प्राप्त किया, वो नित्य नहीं हो सकता, नित्य नहीं हो सकता। इतना भी साधन के द्वारा आप ब्रह्मलोक तक चले जाइए, लंबा समय रहेंगे, परंतु वो जो है विमाशाना करते हैं,
किसी ने बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है, कथम तरीका के नाम स्वभाव के नाम कथम स्थाश्वरी जो भाव है वो कैसे स्थिर रूप में होता है, अमृत नित्य कैसे हो सकता है, अमृत स्वभाव बताया कथम चिस्थाश्य न कथम चिस्थाश्य अमृत भाव से किसी भी अवस्था में नहीं रह सकता है, ना कार्य रूप में न कारण रूप दोनों अवस्था में नहीं रह सकता। आत्म जाति वादिन आत्मा की जन्म मानने वाले जो सिद्धांत है इस सिद्धांत में अजो कभी भी नहीं हो सकता, सर्वदा अजो नाम नास्ती हो अजो नाम कोई वस्तु के सिद्धांत में है ही नहीं, सर्व में इतन मत हो कारण अवस्था भी वर्णन सिखाए और कार्य अवस्था भी वर्णन सिखाए, क्योंकि जब अपने जात जन्म माना तो वर्ण सिद्धि हो ही जाएगा अपने आगे, इसलिए होता है भवतु प्रलय अवस्थायाम अमृत अवस्था परिणाम अमृतत्म तत्व किम शि आशंका रे क्या बोलते हैं प्रलय अवस्था में भगवत ऐसा हो जाए ऐसा मान लिया जाए, क्या मान लिया प्रलय अवस्थायाम प्रलय अवस्था में अमृत अवस्था परिणाम वो अमृत अवस्था में परिणत हो गया परिणाम देखिए परिणाम स्वभाव नहीं बोल रहे हैं अमृत अवस्था परिणाम अमृतत्म तत्व उस अमृतत्व भाग को प्राप्त कर जाएगा तो होगा किम सकते इससे क्या लाभ होगा, यदि परिणत होकर के अपने अमृतत्व को प्राप्त करने वाले हैं तो इस अमृतत्व से कोई लाभ नहीं है, ये बताइए कि आशंका है कृतक अमृत स जो कृतिशत होकर के अमृतत्व को प्राप्त किया नहीं कथम स्थाश्यति निश्चल वो कैसे स्थिर हो सकता है नित्य कैसे हो सकता है वो विभिन्न जन्मने वाला हो जाएगा, इसलिए अमृत स्वभाव होता है न कथन जो अमृत रूप में मतलब अमरण रूप में कभी भी स्थिर नहीं रह सकता क्योंकि विभिन्न जन्म लेगा वो न कथन चीज स्थाश्यति निश्चल मतलब किसी भी निश्चल रूप में नहीं रह सकता स्थिर रूप में कौन जो लोग आत्मा में उत्पत्ति मानते हैं आत्म जातिवादिन आत्मा में उत्पत्ति मानने वाले सिद्धांत में अजनमक कोई वस्तु रह नहीं जाएगी अजनमक कोई वस्तु रह नहीं जाएगी बोल रहे देखो कृतकत्व जो कृतिशब्द होता है जब कृतकम तत् अनित्यम इति विनाशित्वेन कृतकत्व कैसे करेंगे कृतकत्व विनाशित्वेन क्यों जो कृतक जो कृतिशब्द होता है वो विनाशी होता है क्यों क्योंकि जब कृतकम तत् अनित्यम न्याय है जब कृतकम तत् अनित्यम इति न्याय पूर्वतम से दर्शन की न्याय है इसलिए कृतकत्व जिसमें कृतक मतलब कृतिशब्द तो धर्म रहेगा जिसमें कृतिशब्द तो धर्म इसलिए हमें दो चीज हमेशा समझ किसी साधन से भी ज्ञान उत्पत्ति नहीं होता यदि किसी साधन से ज्ञान उत्पत्ति होता तो ज्ञान नाश भी होता और ये ज्ञान इसीलिए आत्मा में अमृतत्व तो किसी साधन से नहीं आता आत्मस्वरूप से नित्य शुद्ध बुद्ध होने से उपाधि के कारण भ्रांति के कारण आत्मा ने जो आरोप किया उतना आरोप ही भागमात्र हट जाता है हमारे सिद्धांत के अनुसार बाकी हमेशा एक रूप ही है जैसे आत्मा से हमेशा एक रूप ही है कभी हमने नहीं जाना कभी हमने जाना आकर के क्या फर्क कृतकत्व से विनाशित्य न व्याप्तत्व मतलब जत्र जत्र विकमित तत्र तत्र अनित्यत्व व्याप्ति भी करेगा है ना कृतकत्व से विनाशित्य न व्याप्तत्व जो व्याप्ति क्या हो गया जत्र जत्र कृतकत्व तत्र तत्र अनित्यत्व ये लिए व्याप्ति है इति बात है किंच अस्याम अवस्थायाम कार्य मात्र वस्तु इति अयम ब्रह्म अस्मि इति ज्ञान अभाव मोक्ष नाश इति आह क्या हो जाएगा और भी देखो इसमें कभी तो तुम्हारे वहाँ सिद्धांत के अनुसार कोई अज होना संभव ही नहीं होगा किंच अस्याम अवस्थायाम चार नंबर की पंक्ति में ले हमारे अस्याम अवस्थायाम मतलब संसार दशायाम अपने जन्म से संसार अवस्था में जब आ गया अवस्थायाम कार्य मात्र वस्तु उस समय क्या रहता है कार्य मात्र वस्तु ही रहता है संसार अवस्था में जन्म जो आत्मा वो कार्य रूप में परिणत हो गया इसलिए कार्य मात्र वस्तु कार्य मात्र न तो किंचित अभी अकार्यम अजरूपम इति अर्थ देखिए हमारे यहाँ पे क्या है पादस्य विश्व भूतानि त्रिपादस्य अमृतम देवी अरे क्या में सारा ही परिणत हो गया सारा मिल जाएगा जब परिणत हो जाएगा तो छोड़ना नहीं आप जैसे कोई व्यक्ति जन्म रहित है आप क्या क्या उससे जन्म हो गया उसका जो सब चला गया अरे ये तो सिद्धांत गड़बड़ हो गया मामला जब बोलते हैं किंच और भी तुम्हारे पक्ष में दोष क्या होगा अस्याम अवस्थाया मतलब संसार दशायाम क्या हो जाएगा कार्य मात्र वस्तु सारा वस्तु कार्य मात्र है
हमारे यहाँ पे क्या है, तो जिस प्रकार देखिए भ्रांति हो रहा है, भ्रांति आप भ्रांति कहाँ होता है जी, आप किस काम को ये देने का क्या साइड दिखाई दे रहा है, केवल फ्रंट साइड, इनको क्या देखा पीछ साइड, इधर से कोई देखेगा ए साइड, मतलब परपेंडिकुलर अपने साइड में जो है उतना ही आपको दिखाई दे। इसी प्रकार भ्रांति स्थल में आपका दृष्टि किसको दे, वो जो वस्तु है उसका केवल एक पद दिखाई देता है, तीन पद नहीं दिखाई देता आपको, केवल वन साइड दिखाई देगा, ये 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 नहीं दिखाई देगा। ठीक इसी प्रकार से श्रुति ऐसा बोलती है, छंद को श्रुति एक पाद में भ्रांति है, पाद अश्व विश्व भूषण द्विपाद अश्वृतम, तीन पाद अमृतम है, निर अवयव वस्तु में एक जगह में परिणत हुआ, एक जगह में परिणत नहीं होना संभव ही नहीं है विवर्तक के बिना, श्रुतिवाद तो है। हम वेदांतिक सिद्धांत तो कोई श्रुति बाहर नहीं है, अनेक श्रुति को समन्वय करे तो इस निष्कर्ष में पहुंचा, अनेक वो तो है प्रज्ञा वैशाख भेद सुविध जल निवेदन वेदनान्न अमृत, समस्त श्रुति को समन्वय करके श्रुति के तात्पर्य आदर्श विश्व भूतानि त्रिपादश अमृतम देवी बोलने वाला एक निरवय वस्तु की एक पाद में जगत दिखाई पड़ते, इसका अभिप्राय क्या है, एक मात्र प्रतीति हो रही है परिणाम नहीं हुआ, निरवय वस्तु एक विशेष प्रकार दूध के एक जगह पे भी थोड़ा सा जामुन डाल देंगे पर उतना मात्र दही में परिणत हो गया, बताइए पूरा दूध दही में परिणत हो जाएगा। यदि परिणाम बात होता है अवय वस्तु में, यदि परिणाम मानोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा परिणाम हो जाएगा। बोलते हैं किंच अश्रम अवस्था या इस अवस्था में कार्य मात्र वस्तु, केवल मात्र कार्य वस्तु रह जाता है, यदि अजय ब्रह्मवश में उस समय आप मैं जन्म रहित ब्रह्म विज्ञान का भी हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। इसलिए बोलते हैं कार्य अजय वस्तु यदि ज्ञान अभाव आदि प्रकार के ज्ञान ही नहीं हो पाएगा, फर्क पड़ेगा मोक्ष नाश मुक्ति होना स्वामी मोक्ष, है ना, क्योंकि सारा चीज कार्य रूप में बदल गया, अकार्य रूप अमृत में कोई धर्म है नहीं जिसको अनुभव करेंगे, पर क्या हो जाएगा मुक्ति होना भी संभव नहीं है। किंच अश्याम अवस्थायाम कार्य मात्र वस्तु भी, तुम देखो क्या बोलते हैं वो आपने कोई जाना, किंचन ब्रह्म अभी जस्मा का शर्मा होगा तो ब्रह्म किसको जाना था, इससे जो सर्वात्म आपको प्राप्त कर लिया, स्व आत्मान अभी तस्मात जैसे अहम ब्रह्मास्मि तस्मात तक शर्म होगा, इस प्रकार ज्ञान हो ही नहीं पाएगा, वो तो विकार रहित अवस्था ज्ञान नहीं होगा, जो भी कुछ का विकार ही वस्तु होगा, पारमार्थिक रूप का प्रश्न है नहीं गया कुछ जन्म वाला वस्तु हो गया, इसलिए इस प्रकार मुक्ति का अनुभव करना जीवन मुक्ति का अनुभव करना संभव नहीं होगा। ठीक जो अश्रम अवस्था कार्य मात्र वस्तु, इसलिए अजो अजम ब्रह्म अस्म जन्म नहीं व्यापक तत्व नहीं विधि ज्ञान अभाव, इस प्रकार ज्ञान की अभाव होने के कारण मोक्ष नाश या मुक्ति होना भी संभव नहीं होगा। यदि आवश्यक मंदिर रखे जाते हैं आत्मा आत्मा जाति वादी और सर्वदा अजम नाम नास्ति एव सर्वमेत मर्त मर्त अभी मोक्ष प्रसन्न की अभिप्राय, इसलिए मुक्ति होना संभव नहीं होगा। श्रुति ने तो जन्म के बारे में बताया, श्रुति ने जन्म के बारे में बताया परंतु वो परिणाम बात बताया कि विवर्त बात बताया, ये तो नहीं अपनी श्रुति, श्रुति ने ऐसा तो नहीं कहा। यदि श्रुति ये कहते कि ये जो आकाश परिणत मतलब ब्रह्म आकाश में परिणत हो गया तब तो बात है, चाहे उसको श्रुति को परिणाम बात बोलना हो चाहे विवर्तवाद बोलना, सृष्टि को बोलना सृष्टि दिखाई दे बोलेगा तो एक ही शब्द बोलेगा, तो परिणाम बात है कि विवर्तवाद है, उसको श्रुति बात को तात्पर्य निकालने के बाद समझ में आता, श्रुति ने सृष्टि के प्रतिपादन किया इसलिए सृष्टि पारमार्थिक है। आप जो है सृष्टि पारमार्थिक है किसका आधार पर कह रहे हैं, श्रुतिवाद के लिए तात्पर्य निकाला आपने, श्रुति को आप विवर्तवाद कहना है कि परिणामवाद कहना है, सृष्टि तो एक ही दिखेगा आपको तो एक ही प्रकार से दिखेगा, सूत्र से बोलेगी आप जो तात्पर्य निर्णय स्वयं लिंग के आधार पर जब दिखेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि ये श्रुति पारमार्थिक सृष्टि को प्रतिपादन नहीं करना चाहती है, क्योंकि अपने आप श्रुति आगे जाकर निषेध करती है सृष्टि को केवल अधिष्ठान तत्व ज्ञान करते हैं, इसलिए ये ध्यान रखना है चाहे परिणामवाद अथवा विवर्तवाद, ये जो है श्रुति का आपको सीधा सीधा कहीं नहीं मिलेगा, आपको जगत मिथ्या ये श्रुति कहीं नहीं कहेगी, परंतु श्रुति की जो प्रक्रिया है उसको उसको अगर पर्यालोचना कर पर श्रुति का अभिप्राय को हमको समझ में आए, इसीलिए हमें बोलते हैं कि आगे देखिए परिणामवाद से सृष्टि श्रुति अनुसारे न
अनुसरण करने के फलस्वरूप आपको क्या करना चाहिए, परिणाम बाद से स्वीकार, परिणाम आपको स्वीकार करना चाहिए। ऐसा शंका करने वाले सृष्टि स्तुति का आधार था, सृष्टि स्तुति श्रुति जैसे भी बोले, चाहे परिणाम बाद से सृष्टि हो चाहे विवर्त बाद से सृष्टि हो, जब तक अज्ञान है आप रज्जु के ऊपर सर्प जब देख रहे हैं आपको पता नहीं है वहाँ सर्प रज्जु में परिणत हुआ, वास्तविक कोई रज्जु सर्प परा हुआ है अथवा आपको भ्रांति उस समय थोड़ी पता लगता है, वो तो यही बोलेंगे कि नहीं वहाँ पे सर्प है, परंतु जब ठीक से विचार करने के बाद देखेंगे तब पता लगेगा कि अरे सूखी बात को ठीक से विचार करने पर वहाँ पर जो है जगत को प्रतिपादन करना अभिप्राय नहीं है, अधिष्ठान तत्व को दिखाना अभिप्राय है। यहाँ पे परिणाम बाद का सृष्टि स्तुति अनुसारेण स्वीकार, तब सृष्टि स्तुति को अनुसरण करते हुए उसको स्वीकार करना चाहिए। आशंक इस आशंका को उठा करके निरस्यति ऐसे नहीं कह सकते हो, चाहे परिणाम बाद हो चाहे विवर्त बाद हो, स्तुति तो एक ही प्रकार से बोलेगी, पर उसको तात्पर्य निर्णय के लिए आपको पता लगाना पड़ेगा कि पारमार्थिक श्रुति को सृष्टि को प्रतिपादन करना चाहती है श्रुति अथवा जो है इसका श्रुति मिथ्यात्व को प्रतिपादन करना चाहती है, इसलिए वो इस शंका उसको निराकरण करते हैं। भूत तो भावी सृज्यमाने समाश्रुति निश्चितं युक्ति युक्तं च यत्तद्भवति नेतर भूततो वापि सृज्यमाने समाश्रुतिः निश्चितं युक्ति युक्तं च यत्तद्भवति नेतर। ये सृष्टि आपका भूतत्व मतलब पारमार्थिक हो अथवा अभूतत्व मतलब अपारमार्थिक हो, अंतिम परिणाम बाद हो अथवा विवर्तवाद हो, इसी प्रकार भी सृष्टि होने में श्रुति की जो एक इच्छा रहेगा भूतत्व बाकी श्रेष्ठ माने पर सृष्टि हो रहा है, श्रुति समाभवती सबके लिए श्रुति नहीं करे इसको समाभव मतलब समाधान उसका वाक्य भी प्रकार होगा। उसमें क्या निश्चय करना है, क्या युक्ति संगत है, जब उस पर विचार करके तात्पर्य निर्णय स्वयं के द्वारा विचार करके जो युक्ति संगत है उसको निश्चय करना चाहिए, न इतरत। ठीक है, तात्पर्य निर्णय स्वयं के द्वारा श्रुति वाक्य को विचार करके जिसमें आपका युक्ति संगत लगेगा उसको निर्णय करना चाहिए, उसको निर्णय नहीं करने श्रुति की अभिप्राय है। भूतत्वापि सृज्यमाने समाश्रुति, चाहे सृष्टि पारमार्थिक हो रहा है चाहे सृष्टि मतलब प्रातिभाषिक मतलब विवर्तवाद को लेकर के श्रुति वाक्य तो एक ही प्रकार का ही दिखाई दे रहे हैं आपको, समाश्रुति समास मतलब समान है श्रुति, परंतु जो युक्तियुक्त है मतलब तात्पर्य निर्णय क्षय लिंग के द्वारा जो युक्ति संगत होता है जब तक निश्चित भवत उसको निश्चय करना चाहिए, न चरण दूसरे को निश्चय नहीं करना चाहिए, परिणाम बाद को निश्चय नहीं करना चाहिए। आप देखिए बोल रहे हैं कि परिणाम बाद से सृष्टि स्थिति अनुसार ये न स्वीकार जनता आशंका भूतत्व बाकी। अब इसी को देखिए टीकाकार क्या बोलते हैं, ये भूतत्व अभूतत्व मतलब परिणाम बाद विवर्तवाद च, परिणाम बाद हो गया भूतत्व और अभूतत्व हो गया विवर्तवाद, ठीक है ना, परिणाम बाद विवर्तवाद च सृष्टि श्रुति का अविशेषा समान है, सृष्टि में जो दिखाई दे रहा श्रुति ऐसे ही बोलेगी, अद्वैत अनुरोधी श्रुति युक्ति वशा जन परंतु, क्योंकि जब प्रतिज्ञा करते हैं क्या सृष्टि से पहले क्या प्रतिज्ञा किया, एकमेव अद्वितीय किंचित मिशा सदैव इस प्रकार से एक तत्व की जो प्रतिज्ञा क्या श्रुति उस प्रतिज्ञा को पुष्ट करने के लिए उपक्रोशन करने के लिए पुष्ट करने के लिए श्रुति वाक्य को जैसे अध्ययन करना चाहिए ऐसे करना पड़ेगा, वो युक्ति संगत इसलिए बोलते हैं कि
परिणामवादे विभक्तवादे च सृष्टि श्रुते सृष्टि श्रुति का अविशेषात दोनों में समान होने के कारण अद्वैत अनुरोधी श्रुति मतलब प्रतिज्ञा वाक्य के अनुसार जो श्रुति होना चाहिए युक्ति वशात वो युक्ति के बल पे विभक्तवाद शिव स्वीकर्तव्य विभक्त इनको अद्वैत श्रुति को प्रतिपादन करने के लिए अद्वैत प्रतिज्ञा को स्थिर करने के लिए विभक्तवाद को स्वीकार करना चाहिए विवर्तवाद को स्वीकार करना चाहिए जो है ना मैं बोला मैं क्या बोला पहले इस अद्वैत प्रकरण में आपको श्रुति के आधार पर युक्ति के द्वारा दिखाएंगे केवल श्रुति बात तो नहीं इस श्रुति से क्या युक्ति लगाना है आर्थिक अब तो क्या निकालना है श्रुति पहले प्रतिज्ञा करते सदैव संविधान अग्रहमी उस एकत्व को निश्चय करने के लिए आपको जैसे श्रुति बात को अनुकूलता को लगाना पड़ेगा वो लगाना पैसा लगाना परिणामवादे विवर्तवादे च सृष्टि श्रुते सृष्टि श्रुति का अविशेषा वो सामान्य एक रूप होने के कारण अद्वैत अनुरोधी श्रुति अद्वैत को मतलब प्रतिज्ञा वाक्य को अनुसरण करते हुए श्रुति वाक्य है वो श्रुति युक्ति वशात श्रुति के अनुकूल करने के बल पे विवर्तवाद से वसूल करते विवर्तवाद को स्वीकार करना चाहिए इति भाव ये जो है हमारे ग्रंथकार के माध्यम को कार्य करना कि ये भाव है इतना विचार किया एक श्रुति वाक्य को लेकर के देखिए सारा श्रुति को एक साथ दिमाग में रख करके इस सारे श्रुति को मिलकर के तात्पर्य इसमें सिद्ध होता है एक श्रुति को लेकर के नहीं कहीं पर कुछ ना कहीं पर कुछ ना आगे पीछे का विरोध ना हो कैसे अगला वाक्य के साथ सामने आने वाले वाक्य को समान रूप में हो सकता है तो विचार करके तब इस निष्कर्ष में पहुँचा कि विवर्तवाद एक मत स्वीकार जो है यहाँ पे एक टिप्पणी दिखाई पड़े कितना नंबर है वो इस प्रकार की एकत्व शुद्ध नहीं हो सकता सृष्टि के मिथ्यत्व बिना एकत्व शुद्ध नहीं हो सकता यहाँ पे मिथ्यत्व अनुमान आगे टीका सृष्टि श्रुति अद्वैत अनुमुन्ने प्रमाण युक्ति अनुगृहित अद्वैतम एव अभ्युपगंतव्यमिति फलितम आह एक उपपत्ति नामक एक लिंग आता है हमारे पास तात्पर्य निर्णय छह लिंग में क्या क्या है उपक्रम प्रसंधा अभ्यास अपूर्णता फल अर्थवाद उपपत्ति ठीक है यहाँ पे बोलते हैं सृष्टि श्रुते सृष्टि श्रुति का अद्वैत अनुमुन्य अद्वैत के अनुकूल होकर के प्रमाण युक्ति अनुकृत प्रमाण अब युक्ति के द्वारा अनुकृत होता है उसके द्वारा अनुकृत हुआ जो श्रुति वाक्य अद्वैत में अभ्युत अभ्युपगंतव्य का भेद रहित तो कोई मानना चाहिए क्योंकि देखो अपने आप श्रुति क्या बोलती है आप जानते हो श्रुति में कि अन्येन सौम्य शृंगेन अपमूलम अन्यच्च अद्भुत सौम्य शृंगेन तेजमूलम अन्यच्च तेजसा सौम्य शृंगेन सन्मूलम अन्यच्च सन्मूला सौम्य इमा सर्व प्रजा सद आयतना सद प्रतिष्ठा श्रुति का तो अपने आप दिखा जाए मतलब सृष्टि की उपयोगिता कहाँ पे श्रुति अपने आप दिखा जाए कि पृथ्वीआत्मा इस कार्य को देख करके सारा जो भी दिखाई वस्तु उसको पहले पृथ्वी में लय करें पृथ्वी में लय करने के बाद पृथ्वी भी एक कार्य है पहले इन वस्तुओं के सापेक्ष में पृथ्वी सत्य है क्योंकि ये जो है मकान दुकान सब धस जाते हैं पृथ्वी रूप में चले जाते हैं ये इसलिए पृथ्वी इसके सापेक्ष में सत्य है परंतु पृथ्वी भी एक कार्य है तो उसका कारण क्या है जल इसलिए जल तक आप पहुँचे फिर जल भी एक कार्य है पहले आप पृथ्वी के सापेक्ष में जल सत्य है पृथ्वी के सापेक्ष में जल सत्य है जल से सृष्टि आपके यहाँ पर तो जल से सृष्टि आने का रोज पता लगता है इतना बड़ा कैलाश है सब गंगा में जैसे पानी के ऊपर तैर रहा पता नहीं लगता आपको नीचे से पानी आ रहा है से आपके ऊपर ऐसे लेकर के शुरू से नीचे से पानी तैर रहा है नहीं तो सत्य दिखाई पड़ते हम भी इसलिए क्या बोलता है कि पृथ्वी रूपी कार्य को देख करके इसके कारण जो है जल को अनुसंधान करो फिर जल रूपी जब अनुसंधान कारण को जो हमें क्या बोलते हैं मृत्यु के इतने वर्ष कारण सत्य है फिर जल भी एक कार्य जो दिखाते हैं जल की उत्पत्ति हुई तेज से उसका कारण को अनुसंधान करो इस प्रकार तेज रूपी कारण को जब प्राप्त फिर उसका कारण क्या है ऐसा करते करते कहाँ पहुँचेंगे सन्मूला सन्मीमा सर्व प्रजा सदातना सब प्रतिष्ठा ये सारा जो भी प्रजा दिखाई पड़ते हैं सृष्टि दिखाई पड़ते हैं प्रतिष्ठा रूप में जायते प्रजा है ना जो भी आपको सामने दिखाई पड़ रहे वो जो है उसका मूल क्या है सत उसका मूल है
सत आयतन सत काल सत में स्थित है और सत प्रतिष्ठा प्रलय काल में सत में लय प्राप्त करते हैं, इसलिए सत ही सत्य है। ये श्रुति ने दिखाया कि जनन तो अपनी बात को वही किया, श्रुति का कोई तात्पर्य से कभी जाके स्वाजगेशानी महाविद्यालय सत्यम स्व आत्मा तत्व सेवन हेतु कभी जाकर किसी को बताएगा। इसलिए हमें बोलते हैं सृष्टि श्रुते अद्वैत आगमन, सृष्टि श्रुति का अद्वैत के अनुकूल होकर के प्रमाण युक्ति अनुग्रहितम, वो प्रमाण और युक्ति श्रुति वाक्य को हो गया प्रमाण, आप उसके साथ जो अनुश्रुति अनुकूल तर्क उसके द्वारा विकसित होगा अनुग्रहितम अद्वैत में बुद्धोगम भेद रहित पारमार्थिक है ऐसे मानना चाहिए। यदि फलितम आओ किसी को मन में रहते निश्चितम युक्ति युक्तम च विचार करके जो निश्चय होता है वही पारमार्थिक सत्य है, उसका वो पारमार्थिक सत्य नहीं मानना चाहिए होता है। अब बोलते हैं श्लोक व्यावर्त्याम शंकाम दर्शयति, इस श्लोक हर जगह दिखाने के लिए दिखा रहे हैं, प्रत्येक श्लोक एक एक शंका को निराकरण करने के लिए मंडल कार्य कर लिखे हैं, प्रत्येक श्लोक के पीछे कोई कोई शंका उत्पन्न था वो भाषा दिखा रहे हैं और मांडवकारी का भगवान भाष्यकारते प्रामाण्य ठीक है ना, जन्म रहित वादियों का सृष्टि हुई ने किस प्रकार बोलने वाले दर्शन का सृष्टि प्रतिपादिका श्रुति, सृष्टि को प्रतिपादन करने वाली जो श्रुति वाक्य है प्रामाण्य न संगच्छते उसकी प्रामाणिकता के साथ मिलकर नहीं चला जाता, प्रामाण्य न संगच्छते गमना तो परस्पर कभी है कि अपनी कभी है, यहाँ पर डेफिनेशन क्या लगा होगा मतलब आत्मनिक गम धातु जो है अवसर जो है जब स्वयं प्रसाद के साथ मिलता तब आत्मनिक बनी है। हम लोगों को तो बोल देने पर भी याद नहीं, बोल समझ में नहीं आता, बोल देने पर भी समझ में नहीं आते, बोलते भाष्य का टीकाकार है इतना बोलते तो हम जाकर के देख देख के समझ में आता है भाष्य का तो दिखा देते अजाति वादी ने सृष्टि प्रतिवादी का क्या उन लोगों के माइंड कितना इसके ऊपर इम्प्रोस था कंसेंट्रेट कर लीजिए थोड़ा सा भी चीज इधर उधर अजातवाद को मानने वाले की सिद्धांत में सृष्टि को प्रतिपादन करने वाली जो श्रुति वाक्य है उसके साथ उस प्रमाण के अनुसार मिलकर जो नहीं चल सकते हैं कौन, अजातवादी श्रुति प्रमाण के अनुसार नहीं चल रहे अमर प्राक्षेप कर रहे हैं, हम तो बोलते हैं जो भी हम बोलते हैं श्रुति प्रमाण के आधार पर ही बोलते हैं, श्रुति के बाहर हम बोलते ही नहीं है, बोलते नहीं तुम्हारा श्रुति प्रमाण का अनुकूल नहीं होगा तुम्हारे सिद्धांत को, ननु अजातवाद न सृष्टि प्रतिपादी का श्रुति न संगच्छते प्रमाण के साथ मिल के नहीं चल सकते, अब अपने अहंकार के साथ चल रहे ऐसा वेदांत के ऊपर आक्षेप है। दो नंबर टिप्पणी प्रामाण्य, ये प्रामाण्य हो गया, यहाँ पे क्रियापद क्या है, हाँ ये क्रिया विशेषण है, इसलिए बोलते हैं प्रामाण्य क्रिया विशेषणम, मतलब प्रामाण्यम न प्रामाण्यम संगच्छति प्रामाणिकता के साथ मिलके नहीं संगच्छति मतलब मिलके चलना, प्रामाणिकता के साथ मिलके नहीं चल सकते हैं आप ऐसा हमारे ऊपर आक्षेप करते हैं। और बोलते हैं जदवा आदधाना सती इति से मतलब एक जोर जोर करके प्रामाण्य के आधान नहीं कर सकते हैं आप, उसमें आपके वाक्य श्रुति प्राप्त होकर प्रामाणिकता के आधान नहीं कर उसका आधार पर नहीं चल सकते जदवा आधान करते हुए मिलकर नहीं चल सकते हैं, मिलकर नहीं चल सकते हैं प्रामाणिकता को आधान करके उसके साथ मिलकर नहीं चल सकते अद्वैत श्रुति और आपका सॉरी भेद रहित सिद्धांत और श्रुति वाक्य एक साथ मिलकर नहीं चल सकते, भेद राहित श्रुति अथवा अजातवाद की जो सिद्धांत है ये सिद्धांत और श्रुति वाक्य एक साथ मिलकर नहीं जा सकते, पूर्ववादी बोल रहे हैं जो सृष्टि को सत्य मानने वाले बोल रहे हैं तुम्हारी अजातवाद की सिद्धांत और श्रुति के सृष्टि वाक्य के साथ मिलकर भी नहीं चल सकते एक साथ, तो तुम तो नहीं लगेगा, हमने पहले क्या बोला यहाँ पे किसके ऊपर भूतत्व भूतत्व अभी मतलब ये जो आप बोलते हो ना
आपको ऊपर ऊपर तो लगेगा सृष्टि बोल रहे वहाँ पे, मतलब सृष्टि का कोई तात्पर्य जो आपने नहीं समझा, सृष्टि का तात्पर्य किसने ऊपर ही बोल रहे हैं कि आपके सिद्धांत तो गलत अजातवादी न, मतलब अजातवाद को प्रतिपादन करने वाला सिद्धांत तो अजातवादी न, सृष्टि प्रतिपादिका श्रुति, सृष्टि प्रतिपादन करने वाले श्रुति का संगत प्रामाण्य न संगत चल, उसके साथ मिल करके प्रामाणिकता के साथ मिल करके नहीं चल सकती है, ये बोलना चाहती हूँ। जब यहाँ पे भाष्य का क्या आगे भाष्य पढ़ते हैं, बाढ़ विद्यते श्रुति प्रतिपादिका श्रुति, ठीक बोला है, हम अस्वीकार नहीं करते हैं, सृष्टि को प्रतिपादन करने वाले श्रुति वाक्य है, साधु अन्न बढ़ा परंतु उसके तात्पर्य भिन्न जगह पे है, सृष्टि को प्रतिपादन करने में नहीं है, साधु अन्न बढ़ा सृष्टि प्रतिपादिका श्रुति, सा क्या लेंगे सृष्टि प्रतिपादिका श्रुति अन्न बढ़ा, दूसरा चीज को बोध करने के लिए, पहले क्या बोल कर क्या था मृत लोह विश्व निगदाते सृष्टि याचोदितान्न था उपाय स अवताराय नास्ति भेद कथंचन, ये जो सृष्टि हम है वो किसके लिए है, एकत्व को प्रतिपादन करने के लिए श्रुति का अभिप्राय है, वो भेद दिखाने के लिए नहीं है श्रुति के, पहले हमने बोल करके आया एक बार, इसे बोलते हैं एक नंबर टिप्पणी देखिए इस पन्ने में है फर्स्ट लाइन पे, सृष्टि प्रतिपादिका श्रुति है ना, सृष्टि मिथ्या इत्यादि, सृष्टि मिथ्यादि जो है ना, ये जो आप जो मिथ्या बोलते हो उन्होंने मिथ्या इत्यादि ये सा अद्वैत तात्पर्यवती अर्थशा तो अन्न पर सा श्रुति अद्वैत तात्पर्यवती अद्वैत में तात्पर्य रखने वाली है, दो नंबर टिप्पणी में ना, एक नंबर सृष्टि प्रतिपादिक सृष्टि का प्रतिपादन सिद्धांत सृष्टि के प्रतिपादन करना अभिप्राय नहीं है, वो अद्वैत को प्रतिपादन करने इसका तात्पर्य सृष्टि प्रतिपादिका श्रुति साधु अन्न पर, देखो हम पहले बोल करके आया क्या बोल कर उपाय सवताराय अस्थि भेद कथन चला है ना, सृष्टि भेद प्रतिपादन करने के लिए है, वो तो एकत्र बुद्धि को हमने अवतरण करने के लिए हमें बैठाने के लिए इस प्रकार की बात बोल, अब क्या करना चाहते इदानी उक्ते अपि परिहारे पुनश्चंद परिहारो विवक्षित अर्थम प्रति सृष्टि स्तुति अक्षराणाम आनुलोम्य वियोग आशंका मात्र परिहार अर्थ, यदि आप पहले एक बार बोल करके आया तो फिर दोबारा शंका क्यों उठाया, इस शंका को इदानी उक्ते अपि परिहारे, इसका मतलब सृष्टि स्तुति का तात्पर्य क्या है, हमने पहले कथन करके आने पर भी पुनः चंद परिहार फिर जो है आपने शंका को उठाया और फिर उसका जो है निराकरण करने के लिए विवक्षित अर्थम प्रति श्रुति की जो अभिप्रेत अर्थ है बोलना चाहते हैं, विवक्षित अर्थम प्रति सृष्टि स्तुति अक्षराना, सृष्टि में बोलने वाली श्रुति अक्षरों का हमारा जो विवक्षित अर्थ है उसको प्रति अनुलोम में मतलब उसके अनुकूल होकर के श्रुति बोल रही है, सृष्टि मतलब इसके अद्वैत सिद्धांत का अनुकूल होकर के श्रुति बोल रही है, इस बीच इस पर अनुलोम विरोध आशंका, इसलिए सृष्टि श्रुति के साथ अद्वैत श्रुति का विरोध है, इस प्रकार शंका मात्र परिहार अद्वैत शंका को निराकरण करने के लिए अनुलोम मतलब अनुकूल हो जाता है, तो पूर्व परिचय पर्यालोचना करके ये निश्चय होता है कि जो है श्रुति की तात्पर्य जो है हमने पहले बोल कर गया था प्रतीक का मात्र सिखा था वहाँ पे कि क्या बोला था मिल लोह विस्फुल सृष्टि दिया चोरी धन्य था उपाय अवतार है नास्ति भेद कथन चला, यहाँ पे क्या होता हम सृष्टि श्रुति के तात्पर्य को दिखाएंगे आपको, इसलिए आपको उठाया गया तीन नंबर टिप्पणी बोलते विवक्षित अर्थम अद्वैत रूपम सृष्टि मिथ्यात्व रूपम का अद्वैत पारमार्थिक अथवा सृष्टि की मिथ्यात्व ही है, ये कहने के लिए जो यहाँ पे उठा विचार उठा करके जिसको हम प्रतिपादन करना चाहते हैं उसको हम भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से कहते हैं अभ्यास लिंग है, इसलिए बोलते हैं इदानी उक्ते अपि परिहारे पुनश्चुद्ध परिहारो विवक्षित अर्थ प्रति सृष्टि स्तुति अक्षराणाम आनुलोम्य विवक्षित अर्थ मतलब अद्वैत सृष्टि मिथ्यात्व रूपम का आनुलोम चार नंबर टिप्पणी है वहाँ पे आनुलोम मतलब सामंजस्य उपपन्न अर्थकर्तन जगत इसमें सामंजस्य बैठा है युक्ति संगत अर्थ जिसमें है वो यहाँ पे दिखाने के लिए दोबारा शंका उठा के परिहार किया जाए, समान विरोध आशंका मात्र परिहार अर्थ मतलब जो विरोध शंका की जो आशंका है उसको परिहार करने के लिए यहाँ पे दोबारा उठाया जा रहा है, ये क्या बोला यहाँ पे वाक्यों में मक्सूदी वाक्यों में भूतत परमार्थत स्थित माने वस्तु ने
अभूतत्व मायाया वा माया बिना इव सृज्यमाने वस्तुनि समा तुलना सृष्टि स्तुति। चाहे पारमार्थिक के परिणाम पद को देकर के कहना है, चाहे मायावी के द्वारा बनाए और कहना है, सृष्टि की स्तुतिवाद को तो एक ही प्रकार की यदि होता है कि भूतत्व मतलब पारमार्थ परमार्थ सृज्यमाने वस्तुनि भूतत्व भूतत्व वस्तुनि अभूतत्व माया वा माया बिना माया बिना की व सृज्यमान वस्तु जैसे मायावी के द्वारा वस्तु को सृष्टि करके दिखाया गया है, परंतु शिष्ट वस्तु जो दिखेगा वो तो शुद्ध एक ही प्रकार की होगी। इसलिए बताया समा तुल्य सृष्टि शुद्ध दोनों के लिए सृष्टि शुद्ध एक ही प्रकार की होती है। यहाँ पे भी पाँच नंबर टिप्पणी दिखाई पड़े, पाँच नंबर टिप्पणी क्या है, भूतत्व मतलब परमात्मा परिणाम बात को लेकर के बोलते हैं, हमेशा शंका सारा परिणाम बात को लेकर के और उत्तर सारा विवर्त बात को लेकर के। विवर्त बात को क्यों बोलते हैं, केवल सृष्टि की मतलब श्रुति वाक्य के तात्पर्य विवर्त में है, श्रुति वाक्य के तात्पर्य विवर्त में है, इसीलिए विवर्त बात को लेकर अच्छा कल को अवकाश होगा, अष्टमी है कल, आज रात को जन्माष्टमी मनाएंगे भी तो कल सुबह थके होंगे होंगे ना, इसलिए कल अवकाश ये प्रश्न प्रज्ञा वैशाख वेद शुभित जल निधे वेदनामोन्तरस्तं भूतान्यालोक्यमज्ञान्य भूरे समुद्रे कारुण्यादुग्धधारामृतमरे दुर्लभं भूतहेतो यस्तं पूज्यामि पूज्यं परमं गुरुमहं पादपादेन तोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं गच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव।